इंदौर में शनिवार रात कोरोना वैक्सीन लगने के बाद चिड़ियाघर के कर्मचारी की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। फिलहाल कर्मचारी का एमवाई अस्पताल में उपचार जारी है। मामले की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कोविड को लेकर देश भर में फ्रंटलाइन वर्करों को टीके लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार दोपहर चिड़ियाघर में पदस्थ कर्मचारी इशाक अहमद को कोरोना वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन लगने के कुछ समय बाद अहमद को दिखाई देना कम हो गया, जिसके बाद चिड़ियाघर के कर्मचारी उन्हें एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल इश्तियाक अहमद का एमवाई में उपचार जारी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। अजीम खान, बताइए क्या हुआ आपके पापा को? फादर को ये इंदौर प्राणी संग्रहालय के अंदर है, सीनियर महावत है। इनको कोविड वैक्सीन का आज कोविड वैक्सीन का अपना इंजेक्शन जो रहता है वो लगा है ये, और जब लगाया था लगने से पहले तो ये ठीक थे, लेकिन लगने के बाद इनको आँखों से एक आँख से दिखना प्रॉब्लम बंद हो गया। तो फिर वहाँ से जो उत्तम यादव जी हैं प्राणी संग्रहालय के, वहाँ के उन्होंने स्टाफ को, वहाँ के सभी लोग यहाँ पर आए उनको लेके यहाँ पर, उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्म किया, फिर हम सब यहाँ पर आए तो उनको कोविड वैक्सीन लगने के बाद से उनको एक आँख में मतलब दिखने में प्रॉब्लम हो रही है और स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। क्या नाम है आपके पापा का? इश्तियाक अहमद। कब लगा था ये? आज लगा 2 बजे। और कब से प्रॉब्लम हो रही है? ये बिल्कुल फिट हैं, कोविड वैक्सीन लगने के बाद में इनको प्रॉब्लम हुई है। क्या नाम है आपका? अजीम।